गुड okay, आफ्टरनून start my आई विल क्लास गुड आफ्ट तो कल की क्लास कंटिन्यू करते हैं कल वाला जो टॉपिक है उसमें हमारा हम जिस टॉपिक पे थे वो था एप्लीकेशन ऑफ ईएन एन रूल ठीक तो वाई एन रूल इज इम्पॉर्टेंट और वॉट इज इट्स एप्लीकेशन अगर हम देखें तो ई एन रूल हमें किस तरह हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ इ एन रूल वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू मेटल्स एंड बाई विच वी गेट द आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल कार्बोनिल ठीक जैसा कि हमने कल आपको डिटेल में डिस्क्राइब किया था सपोज द स्ट्रक्चर ऑफ एफ टू सीओ होल नाइन अगर हम इसका नंबर काउंट करेंगे तो इट विल कम दैट देयर इज टू एफ एलिमेंट इज प्रेजेंट सो द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑबोध टू इज टू इन टू ट्वेंटी सिक्स इज फिफ्टी टू ठीक एंड द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द कार्बोनिल ग्रुप

when each iron is contained 36 electron so it will give the idea that there is only single bond between the iron and iron now the second example is Fe3CO whole 12 here the 3 iron is present the total atomic number of 3 iron is 3 into 26 is 78 the electron donated by 12 carbonyl group is 24 the total number of 3 fe um, for 3 fe in fe3co whole twice is come 102 which is shown which is show that there are two electron for each iron is less to obey the en rule so there are three iron is

जो है तभी उसकी सारी वैलेंस सेल जो है वो फिलफिल होगी तो इसलिए हमें छह इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए इसके मतलब कि आयरन और आयरन के बीच में सिंगल सिंगल करके तीन बॉन्ड्स जो है टोटल बनेंगे जो कि आपको नीचे स्ट्रक्चर से क्लियर हो रहा है कि देयर आर थ्री बॉन्ड बिटवीन ऑल थ्री आयरन एंड सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय दीज थ्री बॉन्ड्स एंड देन इट विल कम वन हंड्रेड एट फॉर ईच आयरन द काउंटिंग इज कम थर्टी सिक्स एंड देन इट विबे दूल नाउक्स्ट स्ट्रक्चर इज सीओर co4 co12 ठीक यहां पर कोबाल्ट के चार एलिमेंट प्रेजेंट है तो फॉर कोबाल्ट इलेक्ट्रॉन काउंटिंग कम्स 108 एंड देयर आर 12 कार्बोनिल ग्रुप. सो 24 टोटल कम्स 132. बट वी नीड फॉर कोबाल्ट थ्री इलेक्ट्रॉन फॉर ईच को बी नीट है ना और अगर हम चार कोबाल्ट को काउंट करें अगर चार आ, क्या कहते हैं बॉन्ड काउंट करें कि हमारे कोबाल्ट के कोबाल्ट के बीच में चार बॉन्ड हैं तो द इलेक्ट्रॉन काउंटिंग विल इंक्रीज बाय एट इलेक्ट्रॉन्स ओनली तो अगर आठ इलेक्ट्रॉन हम काउंट करते हैं तो हमारा टोटल नंबर ऑफ जो है वो आएगा आठ इलेक्ट्रॉन इसमें एड कर देंगे अगर वन में तो इट विल वन फोर्टी तो वो पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हमारी नहीं हो रही जबकि हमें कितने चाहिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए वन फोर्टी फोर यानी चार इलेक्ट्रॉन फिर भी हमारे कम पड़ सब लोग आवाज आ रही है भैया हेलो यस मैम नेटवर्क प्रॉब्लम रह रही पावर चली आती है पता नहीं आया इनका फिक्स टाइम है कोई नहीं नाउ कंटिन्यू द्लास तो कोबाल्ट के अगर चार एटम को हम चार बॉन्ड कंसीडर करते हैं तो द इलेक्ट्रॉन काउंटिंग है वो हमारी फुलफिल नहीं हो रही जो हमें एन रूल के अकॉर्डिंग ईच कोबाल्ट के लिए चाहिए तो इसके मतलब कि कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच में चार बॉन्ड ना होकर छह बॉन्डिंग है दैट मीन्स दे गिव द इलेक्ट्रॉन बाय ईच कोबाल्ट इज टू इलेक्ट्रॉन तो सो सिक्स बॉन्ड इज देयर सो द काउंटिंग विल कम वन फोर्टी फोर एंड फॉर ई एन रूल और ई एन काउंटिंग फॉर ईच ओ बी प्रकार से ये जो एग्जाम्पल दे रखा है इसमें ये आपका जो है वो इसमें दो कार्बोनल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं सीओ होल थ्राइज और इसका आप स्ट्रक्चर देखें अगर तो फॉर इच एमओ एमओ देर इज ओनली अम हाँ मैम स्क्रीन विजुअल नहीं हो रही है स्क्रीन विजुअल नहीं हो रही है ठीक है एक मिनट बेटा हाँ ओके मैम अब हुई बताइएगा जब स्क्रीन विजुअल हो आपको यस मैम ठीक है okay, अच्छा अब है कुछ एग्जाम्पल्स जो हम लोग ने कल ऑलरेडी जो पढ़े थे और डिस्कस किए थे फॉर कार्बोनिल विच ओबे द्बोनिल ओबे 18 एफेक्टिव एटॉमिक रूल ठीक है तो जैसे कि आपका जो है मोर देन वेयर द मोर देन वन मेटल इज प्रेजेंट एंड लाइक निकिल टेट्रा कार्बोनिल चुके हैं पेंटा कार्बोनिल आयरन इसका भी कर चुके हैं हेक्सा कार्बोनिल मोलिबिडनम ये भी कर चुके हैं हम जो हम नया है वो हम केवल डिस्कस करेंगे ठीक है कल हम सारे स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं अच्छा जो ओबे नहीं करते हैं कुछ मेटल कार्बोनिल्स जिसमें की ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हमने आपको बताया था मेटल्स uh, में तो वो क्या एज अ डाइमर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और स्टेबल होते हैं एंड देन दे विल ओबे द एन रूल ठीक उसका उसकी काउंटिंग तब पूरी होती जब वो एज अ डायमर एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि आपका एग्जांपल दे रखा है सीओ सीओ होल फोर कोबाल्ट का ये कंपाउंड है आप देख सकते हैं वो है मेटल कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट यहाँ पर जब वो डायमर मोलिक्यूल हो जाता है तो इट विल कम द काउंटिंग लाइक दिस टू कार्बोनिल का एटीन इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है एट कार्बोनिल जो है ग्रुप वो सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और देयर आर वन बॉन्ड बिटवीन द द टोटल थर्टी सिक्स इलेक्ट्रॉन सेकेंड स्लाइड ठीक समझ में आ गया तो एज डाइमर कैसे वो एग्जिस्ट करते हैं तो so, उसके बाद ये है कुछ मिक्स्ड कार्बोनिल कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रॉन एटीन इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करते हैं मिक्स मतलब कि कि उसमें मोर देन कार्बोनिल ग्रुप है जैसे कि आपका FeCO3, C4, H4, तो चार इलेक्ट्रॉन सी फोर एच फोर देता है और थ्री कार्बोनिल्स ग्रुप जो है वो छ इलेक्ट्रॉन देते हैं टू ईच कार्बोनिल एंड देयर आर वन आयरन ओनली तो एट इलेक्ट्रॉन द आयरन एटम एलिमेंट एंड देयर आर एटीन इलेक्ट्रॉन सो इट विल ओबे द एटीन इलेक्ट्रॉन कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था वाई इट इज कॉल्ड एटीन इलेक्ट्रॉन रूल ओनली नॉन नाइन एंड ट्वेंटी बिकॉज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू दिस रूल दैलेंस शुड वैलेंस सेल्स शुड बी फिल्ड है ना बाय दीज एटीन इलेक्ट्रॉन्स और एटीन इलेक्ट्रॉन्स होने पर ही वैलेंस सेल्स सारे फुल फुलफिल होंगे टू इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल सिक्स इन पी एंड टेन इन डी तो टोटल नंबर ऑफ चार्डीन इलेक्ट्रॉन रूल इज इट क्लियर यस मैम हम्म इसी प्रकार से एक और देखिये नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आपका आयरन कंपाउंड है इसमें भी आप देखिए कि दो आपके दो नहीं बल्कि तीन आपके जो है वो कार्बोनिल ग्रुप अटैच है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं आयरन गिविंग द गिविंग द एट इलेक्ट्रॉन्स कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर आर टू फिनाइल ग्रुप एंड नहीं सॉरी पेंटाइल ग्रुप इज अटैच सो सिग्मा एंड पाईव बॉन्ड्स सो वन इलेक्ट्रॉन फाइव इलेक्ट्रॉन एंडीन इलेक्ट्रॉन आर देयर डिपेंड अपॉन हाउ मैच डबल बॉन्ड इज इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन ठीक कभी कभी ये ग्रुप जो है वो मेंशन कर देते हैं वैल्यू ऑफ द पाई तो इट विल शो दैट हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन जब कुछ नहीं लिखा है तो इसके मतलब सारे जो बॉन्ड है वो इन्वॉल्व है बॉन्ड फॉर्मेशन में ठीक नाउ देन एम एन सीओ होल फाइव सी एच थ्री इसमें भी आप काउंटिंग दे सकते हैं फाइव जो है इलेक्ट्रॉन्स को कार्बोनिल uh, ग्रुप दे रहा है तो इसका मतलब टेन इलेक्ट्रॉन्स टोटल हुए और सी एच थ्री हमें वन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एटीन ऑल द काउंटिंग्स विल कम सो ऑल द कंपाउंड्स ऑफ मेटल कार्बोनिल्स ऑफ दिस टाइप ओबे द इफेक्टिव एटॉमिक रूल और ई एन रूल ठीक इसमें कोई कंफ्यूजन है ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको एज अ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी तो आप इस तरीके से किसी भी मेटल कार्बोनिल का स्ट्रक्चर जो है वो देखकर बता सकते हैं कि उसमें कितने जो है वो बॉन्ड्स हैं और वेदर द इज स्टेबल और एन रूल और नॉट ठीक मिक्सड ऑर्गेनो बेटेलिक कंपाउंड हैं जिसमें कि ये तो आपका पुराना रिपीट हो रहा है ठीक है ये तो हम कल बता चुके डेफिनेशन चलिए तो ये आज चैप्टर ये टॉपिक जो है हमारा ये वाला अभी खत्म होता है दैट इज इफेक्टिव एटोमिक रूल और ऑर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड ठीक अब हम आज नया स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक जो जो हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द कायरल कार्बन और द कारल टी ठीक स्टार्ट द न्यू टॉपिक

आपके सिलेबस में जो है वो हम अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे जो हमने बेसिक मेन देखा है उसमें सबसे पहले तो आपका जो यूनिट मैंने देखा था वो था आपका कि मेटल्स इन बायोलॉजी था उसके बाद जो स्पेसिफिक मेटल्स थे जो हमने पढ़ाए थे निकेल कॉपर कोबाल्ट जिंक फिर उसके बाद एंजाइम्स आपको पढ़ाया था ठीक है ना जो हमने एंजाइम्स पढ़ा था वो आपके था उसके बाद आपकी का, का, वो है कारिटी ऑफ द कार्बन है ठीक ओके मैम

more uh, chemical bonds. they have the same kind of atoms, same number of atoms, or we can say the same molecular, for, uh, molecular formula, but different in their chemical and physical properties or their spatial arrangement. they are called isomers. and the phenomena is called isomerism. see, the? there are two types of isomerism, constitutional isomerism and stereoisomerism.

चेन आइसोमैरिज का एग्जाम्पल जैसे कि ब्यूटेन में आप देखिए ओपन चेन चेन इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन द चेन ऑफ द कार्बन दिस इज कॉल्ड द चेन आइसोमैरिज सेकेंड इज द पोजिशन आइसोमैरिज पोजिशन आइसोमैरिज इज दट काइंड ऑफ आइसोमर्स विच आर डिफरेंट इन प्लीज uh, कौन है नाउ द पोजिशन आइसोमर्स पोजिशन आइसोमर्स जो होते हैं वो केवल और केवल उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है अटैच है उनकी पोजिशन डिफरेंट होती है है ना द ग्रुप ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज चेंज दे आर नोन एज पोजिशन आइसोमेरिज जैसे कि आपके इसमें एग्जाम्पल दे रखा है आपका अमीनो प्रोपेन एंड प्रोपेना माइन तो इनकी केवल अमीन ग्रुप की पोजिशन जो है दोनों में चेंज है नाउ दर्ड वे थर्ड वन इज प्लीज आप देख लीजिए किसका माइक कौन है प्लीज क्लोजियो माइक थर्ड वन इज फंक्शनल आइसोमैरिज्म बोथ हैव द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट दे हैव ओनली द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप और दे आर डिफर इन फंक्शनल ग्रुप ओनली दे आर नोन एज फंक्शनल जैसे इथनॉल है एंड मिथॉक्सी मिथेन है दोनों में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है बाकी तो आपका मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है

एटम्स ठीक जैसे कि आपका ये एग्जाम्पल दे रखा है हमने ब्यूटोन का देख सकते हैं आप ब्यूटनॉल दो तरीके से और लिखा जा सकता है डाइथाइल इथर एंड मिथाइल प्रोपाइल इथर तो इसमें कार्बन चेंज जो है वो ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है वो डिफरेंट है नाउ द फिफ्थ वन इज टॉटोमैरिज्म टोटोमैरिज आर ऑल्सो नोन एज इनकनवर्टेबल कंपाउंड जैसे कीटो इनोल तो इसमें इनकन्वर्टेबल होते हैं दोनों कंपाउंड एक दूसरे से कन्वर्ट किए जा सकते हैं इनमें केवल फंक्शनल ग्रुप चेंज है एसिटोन एंड आइसोप्रोपेनॉल ठीक एक में कीटोनिक ग्रुप है एक में ग्रुप लगा हुआ है ठीक आइसोप्रोपेनॉल तो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमैरिज काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमैरिज द सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमैरिज इज नोन एज स्टीरियो आइसोमैरिज स्टीरियो आइसोमरिज है सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑल्सो बट डिफरेंट इन द अरेजमेंट ऑफ एटम्स इन द स्पेस या हम कह सकते हैं कि जो एटम्स है या जो लीगेंट्स है उनका अरेन्जमेंट जो है इसमें डिफरेंट रहता है तो ये भी दो तरीके के होते देआर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स पहला है ज्योमेट्रिकल और सिस्ट्रांस आइसोमेरिज दूसरा है आपका है ऑप्टिकल आइसोमेरिज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज वो आइसोमैर्स है जिनमें डोनर एटम्स ऑफ द सेम लीगेंट एक ही लीगेंट के जो डोनर एटम्स है या हम कह सकते हैं सेम लीगेंट और ग्रुप्स हैं वो उनकी केवल ज्योमेट्रिकल पोजीशन चेंज होती है या हम कह सकते हैं दे आर डिफरेंट इन द द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड सेंट्रल मेटल एटम सेंट्रल मेटल एटम या जो आपका एटम अटैच है उसके चारों तरफ जो पोजिशन है लीगेंट्स की या ग्रुप की केवल वो जो है वो चेंज होती है इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स Cis and trans cis जैसे कि आप जानते हैं, आइसोमर्स कौन से होते हैं वो आइसोमर्स होते हैं जिसमें कि हैव द द टू सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड और ये भी हम कह सकते हैं कि जो डोनर एटम्स है या लीगेंट्स है वो एक दूसरे के एडजेस्टेंट पोजिशन पर होते हैं जैसे कि आपका एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर दोनों ग्रुप एक दूसरे के आसपास ही लगे हुए हैं आप देख सकते हैं एडजस्टन पोजीशन में या सेम ग्रुप एक ही जगह पर डबल बॉन्ड के एक तरफ ही लगे हुए दूसरा है आपका ट्रांस आइसोमर्स 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 ट्रांस वो isomers हैं हैव द टू सिमिलर ग्रुप्स आर इन और इन लिगेंड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन अराउंड द सेंट्रल एटम या हम कह सकते हैं कि सेंट्रल एटम के दोनों अपोजिट पोजिशन में जब सेम ग्रुप लगे होते हैं तो दे आर नोन एज ट्रांस टू ब्यूटीन Got it? Mein aaya? Answer, answer me beta. Yes, ma'am. Hmm. So it is very common. This type of geometrical isomerism is very common in square planar coordination number four and octahedral coordination number six compounds. Why it is not. Uh, shown by the tetrahedral complexes tetrahedral complexes do not show geometrical isomeries because the relative position of the donor atom of the ligand attached to the central atom are the same सेम विद रिस्पेक्ट टू इच अदर यानी कि जो हम टेट्राहेड्रल कंपाउंड में देखते हैं कि हम जो ग्रुप्स की पोजिशन निकालते हैं वो एक दूसरे के रिलेटिव निकालते हैं या समकक्ष निकालते हैं पर एक्चुअली जो पोजिशन कॉन्फ्रुगेशन में मॉलिकुलर कॉन्फ्रुगेशन में होती है या मोलिक्यूल में होती है वो एक्चुअली में डिफरेंट होती है या अलग होती है जो हम दिखाते हैं वो एक्चुअल पोजिशन मॉलिक्यूल की ग्रुप्स की मॉलिक्यूल में नहीं होती है तो इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में शो नहीं करते हैं इसमें एक वर्ड दे रखा है बिकॉज ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट ग्रुप सिमेट्री तो जो पॉइंट ग्रुप सिमेट्री है या पॉइंट ग्रुप थ्योरी हम आपको आगे बताएंगे इसको बहुत डिटेल में आप इसलिए मत पढ़िएगा क्योंकि ये आपके बहुत कोर्स में नहीं है लेकिन आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि, कि किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की सिमेट्री को जब हम वर्ड्स में समझना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ सिंबल दे दिए जाते हैं कुछ नोटेशन दे दिए जाते हैं जिन्हें यूज करते हैं हम एलिमेंट सिमेट्री एलिमेंट्स की तरह जिसको देख कर सिमेट्री बताई जा सकती है अगर हम कह दें कि ये ऐसा इन सिमेट्री है तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें इसकी सिमेट्री कैसी होनी चाहिए है ना तो इस पूरी थ्योरी को हम पॉइंट ग्रुप थ्योरी कहते हैं ऐसे हम पॉइंट ग्रुप कहते हैं कि कोई सिम्बल्स कुछ सिम्बल्स फिक्स कर दिए गए हैं जिसको देख के कि हम किसी भी मॉलिक्यूल की सिमेट्री को जान सके इसी को हम पॉइंट ग्रुप थ्योरी भी कहते हैं जो आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है तो टेट्राहेड्रल में कुछ ऐसी सिमेट्रीज होती है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो फॉलो नहीं करता है उसके बाद जहाँ कि हमने देखा कि अभी प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाया जाता है लेकिन होता है लेकिन कुछ इसमें भी कुछ ऐसे कंपाउंड है लाइक कॉम्प्लेक्सेस है जैसे कि एम ए फोर एम ए थ्री एक्स एम ए एक्स थ्री दे विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ इक्वेलेंट पॉइंट ग्रुप सिमेट्री यानी इनमें कुछ ऐसी और सबसे इंपॉर्टेंट जो ए लगा हुआ इसमें है इसमें ए ग्रुप है इट शुड बी न्यूट्रल लीगेंट एंड जो एक्स है इट शुड बी एनाइनिक लीगेंट फॉर ओबे द जोमेट्रिकल आइसोमैरिज्म या सॉरी फॉर शोइंग द जोमेट्रिकल आइसोमैरिज्म ठीक

एक ही एजेशन पोजिशन में दो ग्रुप लगे हुए हैं ठीक है लीगेंड लगे हुए सो इट इट शोज दिस ज्योमेट्रिकल आइसोमैरिज द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो एम ए टू एक्स वाई इट इज ऑल्सो है थ्री एन सो इट इज ऑल्सो शो द सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज उसके बाद एक और एग्जाम्पल आपका दे रखा है एच थ्री एन एच टू ओ यह है MA BX2 जहां पर दो क्लोरीन क्लोराइड क्लोरीन जो है वो एक साइड में लगा हुआ है क्लोराइड एंड तो आप इसको कह सकते हैं कि ये सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में बिकॉज़ एडजसेंट पोजीशन भी है और सेम लीगैंड है उसके बाद एक और एग्जांपल दे रखा है MA AB2 तो इसमें भी आप दे सकते हैं कि सेम काइंड ऑफ जो है वो ग्रुप लगे हुए हैं अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम ऑन द सेम साइड सो इट इज आल्सो अ जो सि जोमेट्रिकल आइसोमर ये आपके स्कोयर प्लेनर के कुछ एग्जाम्पल्स है सिमिलरली ऑक्टा कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो इसमें बने हुए हैं टाइप ऑफ एम ए फोर एक्स टू एम ए थ्री एक्स थ्री एम ए फोर एक्स वाई ये जो है सिस और ट्रांस दोनों आइसोमर्स जो है इस तरीके से शो करते हैं जो हमने बना रखे हैं स्ट्रक्चर में जो आप देख सकते हैं कि इसमें ऑपोजिट जो पहला वाला है वो सिस है क्योंकि दोनों ग्रुप एडजेसेंट है अराउंड सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा वाला जो है वो ट्रांस है क्योंकि दोनों जो लीगेंट है तो जोमेट्रिकल आइसोमेरिस जैसे कि आपने टेक्ट्रा हेड्रल में देखा तो ऑक्टा हेडल में भी बहुत सारे कंपाउंड जो है वो जोमेट्रिकल आइसोमेरिज़ शो नहीं करते हैं उसी तरीके से लाइकवाइज एम ए माइनस ए A bond A uh, whole twice X two and A dash A X Y will also show the geometrical isomerism. ये देख लीजिए A dash A क्या है symmetrical bidentate ligand. ये bidentate दो uh, bidentate ligand इसमें लगा हुआ है next वाले में देखिए uh, जो figure बना हुआ है जो symmetrical है इसमें दोनों ligand एक जैसे हैं तो इसे इस called इस symmetrical bidentate ligand. ठीक symmetry इसमें दे रखी है आपकी दिख रही है और सेकेंड वाला जो है एसिमेट्रिकल है बिकॉज दे डोंट हैव द सेम काइंड ऑफ लीगेंट ऑन बोथ साइड एक में मिथाइल ग्रुप लगा है जिसमें फिनाइल ग्रुप लगा है इसलिए ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लीगेंट है तो पहला वाला जो है आपका शो करता है ट्रांस जोमेट्रिकल आइसोमैरिज नाउ द सेकेंड वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अब जो हमें पढ़ना I mean, है मेन व्हाट इज द कायरलिटी है ना ऑप्टिकल जो है वो कायरल कॉम्प्लेक्सेस जो है उसमें होता है पाया जाता है इनको कायरल कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं विच डू नॉट हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड दे डू दे फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड एन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड शो करते हैं जो नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज बनाते हैं देखिए हमने इसको अलग तरीके से बाय फिगर जो है वो समझा रखा है कि कौन सा सुपर इम्पोजिबल फिगर है और कौन सा नॉन सुपर इम्पोजिबल फिगर है ऐसा फिगर जो एज इट इज उठाकर आप एक दूसरे के ऊपर स्टिक कर सकते हैं जैसे कि आपने एच को देखा हुआ या एच बना हुआ है और उस फिगर को अगर उठाकर हम उसके रियल इमेज के ऊपर रख दें तो बिल्कुल सेम जो है वो स्ट्रक्चर रहता है इट इज कॉल्ड द सुपर इम्पोसिबल मिररर इमेज ठीक लेकिन सेकेंड टाइप में आप देखें जो हमने पी बना रखा है और जब इसकी मिरर इमेज होती है और उसको हम एक दूसरे के ऊपर स्टिक करेंगे तो वो जो है वो सेम काइंड ऑफ फिगर नहीं रहती है या सेम काइंड ऑफ पैटर्न uh, नहीं रहता है तो इसको हम नॉन सुपर इम्पोजिबल जो है वो मिरर इमेज कहते हैं तो जो फर्स्ट वाला है इट डज नॉट शो द ऑप्टिकल आइसोमैरिज द सेकेंड वाला है इट शोज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो हमारे हाथ का स्ट्रक्चर है वो भी हमारा कैसा फिगर है बताइए हाथ को अगर आप शीशे में देखते हैं तो yes, so वो नॉन सुपर इम्पोजिबल यस इट इज नॉन सुपर सो वो ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करता है तो वॉट इज द कायरल कार्बन तो कायरल कार्बन हम उस कार्बन को कहते हैं द कायरल कार्बन इन विच इट इज कार्बन इज बॉन्डेड फोर डिफरेंट ग्रुप इसल और एसेमेट्रिक कार्बन जैसे कि आपने इस फिगर में देखा हुआ है कि कार्बन चा, के चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं दोनों एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि चारों तरफ कार्बन के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं सो इट इज नोन एज कायरल कार्बन एक्चुअली इट इज अ ग्रीन ग्रीक वर्ड के आई आर के आई आर ए एल जो है वर्ड उससे लिया गया है जिसका प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ मॉलिक्यूल नॉट being आइडेंटिकल with इट्स मिरर इमेज जो हमारी मिरर इमेज से इमेज है उससे हमारी रियल से वो फर्क होती है इसे हम कायरलिटी कहते हैं ठीक तो कायरल कंपाउंड वो हो गया या कायरल कार्बन वो हो गया जो कि फोर डिफरेंट ग्रुप्स जिसमें जुड़े होते हैं और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती हैव लैक ऑफ होतीमेट्रिक और डाइमेट्रिक एसेमेट्रिक क्योंकि चारों तरफ सिमेट्री है ही नहीं चारों तरफ अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एसेमेट्रिक और डायट्रिक कार मॉलिक्यूल्स जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट साइड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं है ना या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे हैव द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ये ऑप्टिकली एक्टिव एक बना रखा है मैंने एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ठीक नाउ द कारल्टी इन ऑप्टिकल

उसकी सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज है। तो दै इट इज नॉट शो द ऑप्टिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी और दिस नॉट ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट शो द कैरलिटी बिकॉज द मिरर इमेज इज सुपर इम्पोसिबल बोथ साइड हैव द सेम ग्रुप सेम लीगेंड्स बट ऑल्सो और द सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज तो दिस शुड नॉट शो दैरल्टी नाउ इन टेट्रा हेडल कंपाउंड सम कॉम्प्लेक्सेस विद दिमेटिकल बाय डेंटेट लिगेंट्स दे रखा है देखिए आप एम ए माइनस बी होल्ड टॉइज विल शो कैरल्टी इसमें कैरल्टी हम शो करते हैं बिकॉज क्योंकि इसको उठाकर हम उठा कर अगर इसके रियल इमेज के ऊपर रखें तो सेम जो है वो स्ट्र पैटर्न नहीं आएगा इस कंप मिररर इमेज वाली जो इमेज है उसको हम रियल इमेज के ऊपर रखेंगे तो अलग अलग ग्रुप अलग अलग पैटर्न पे जा रहे हैं सो दिस फिगर इज नॉन सुपर इम्पोजिबल दिस कॉम्प्लेक्स इज है इमेज सो इट शोर्स दॉट इट इस मिरर इमेज को अगर हम रियल इमेज के ऊपर रखेंगे तो अलग अलग पैटर्न दिखाई देगा अलग अलग ग्रुप अलग अलग जगह पे दिखाई देंगे क्योंकि ये कैसा मिरर इमेज है सो नॉन सुपर इम्पोजिबल एक एकदम आइडेंटिकल नहीं है इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है दिस कंपाउंड नाउ द काइरलिटी इन ट्रांजिशन मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद cn6 यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में काइरलिटी कैसे शो होती कंपाउंड्स में ये हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप ma-a'a x2y2 a'-a2 x2 एंड a'- ए होल टू एक्स वाई वेयर ए इज ए क्या है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लीगेंट एंड एक्स वाई क्या है एनाइनिक लीगेंट्स तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कि सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लीगन हो और एनाइनिक लीगेंट्स शो, शो करते हैं कि कैसे जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं बट द ट्रांस आइसोमर ऑफ अब टाइप्स विल नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इनके सिमर जो है वो तो ऑप्टिकली एक्टिव है पर ट्रांस वाले ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है जो की हमने कल नीचे फिगर बहुत सारे बना रखे हैं कि कैसे इनकी मिररर इमेज बनेगी इन कॉम्प्लेक्सेस की मिरर इमेज को देख के बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि विच आर व्हाट आर व्हाट कम्पाउंड आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड वॉट आर नॉट ठीक

जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज जो है वो बना रहा है क्योंकि इधर देखिए इधर राइट हैंड साइड जुड़ा इधर लेफ्ट हैंड साइड जुड़ा हुआ है तो जब इसको उठाकर कंपाउंड के मिरर इमेज को उस पर रखेंगे तो सेम काइंड ऑफ इमेज जो है वो नहीं बन रही दैट मीन इट इज दॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज सो इट शोज द कैरल्टी गॉट द पॉइंट डी और एल फॉर्म देख रहे हैं आप कॉम्प्लेक्स का दिख रहा है आपको क्लियर

सुपर इम्पोजिबल जो इमेज है वो सेम काइंड ऑफ जो लीगेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन ट्रांस पोजिशन पे है और दोनों तरफ आपके सेम काइंड ऑफ लीगेंट बाईड लीगेंट जुड़े हुए हैं दैट इजाइमीन तो इसलिए जो एक जैसी आइडेंटिकल मिरर इमेज बन रही है सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन रही है ट्रांस आइसोमर में सो दे आर एक आयरल दे आर दिस कम कॉम्प्लेक्स इज एक आयरल ठीक Now, an octahedral complexes of the type a m a dash a whole होल and m a b c d e f can show optical activity or chirality. कैरल्टी अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो आपका नया एन न्यू जो ऑक्टा कंपाउंड का जो एक एग्जाम्पल बना हुआ है दैट इज फर्स्ट वन एम ए डैश ए थ्री यानी कि तीनों जो हैं आपके एक जैसे जुड़े हुए हैं एन, 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 विद ठीक और इसकी जब मिरर इमेज बन रही है तो द काइंड ऑफ कह सकते हैं बॉन्ड और uh, जो त, तो सेम है लेकिन जो पोजीशन है लिगेंड की वो चेंज हो गई है मिरर इमेज में सो दे फॉर्म द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज सो इट शोज द कैरटी फर्स्ट वन शोज द कैरल्टी वेयर ए डैश ए क्या है इथाइलिन या ऑक्सिलेट भी हम कह सकते हैं ऑक्सिलेट ग्रुप भी जो बायडेंटेड ग्रुप है लिगेंड है और दूसरा जो ए डैश बी है अनसेमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड भी हो सकता है अगर ए और बी है और जो डेल्टा है वो जो है राइट हैंड कॉम्प्लेक्स है और जो डेल जिसे हम कहते हैं सिंबल को वो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लेक्स है समझ में आया अभी तक वॉट इज कैरल्टी वॉट इज कैरल कार्बन वॉट इज एमेट्रिक कार्बन वॉट वॉट आर द द ऑप्टिकल एक्टिविटी है ना वॉट शो दू ओबे द chirality इन ट्रांजिशन मेटल complexes इन टर्म्स ऑफ पॉइंट ग्रुप कोऑर्डिनेशन पॉइंट ग्रुप थ्योरी जैसे कि हमने बताया भी था कि पॉइंट ग्रुप थ्योरी को हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है लेकिन कुछ सिंबल्स बना दिए गए हैं नोटेशन वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए सिंबल्स बना दिए गए नोटेशन को कि हम कैसे सिमेट्री जो है किसी की भी देख के बता दें उस सिम्बल्स को कैसी सिमेट्री है उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कायरलिटी कंपाउंड में होगी कि नहीं तो कॉम्प्लेक्स बिलोंगिंग टू टी डी मतलब या डी एन एच है या डी थ्री डी है ये जो है

पानी पानी <coughs> कंपाउंड बना हुआ आपका देखिए डाई, डाई क्लोरो प्लेटिनम इसमें आप देख सकते हैं कि जो मिरर इमेज है ट्रांस इसका ये आइसोमर बना हुआ है दे आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव ठीक यह हम कह सकते हैं इसमें एस एन एक्सेस जो है वो ऐसा भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा वो कैरल्टी शो नहीं करेगा जिसमें नहीं होगा वो कैरल्टी शो करेगा इट इज जस्ट सिंबल विच शोज द अबाउट द डिटेल ऑफ सिमेट्री. ये ऊपर जो इसका है आप ट्रांस आइसोमर है नीचे इसका सिस आइसोमर है आइसोमर में हम जो इथलिन डायमीन की लेगेंड की पोजीशन है वो चेंज हो जाती है इन मिरर इमेज है ना दे आर नॉट ऑन द सेम साइड सो दे आर फॉर्मिंग द सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ठीक सो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स लास्ट पेज के हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा कॉम वही है कि सिमेट्री पॉइंट ग्रुप सिमेट्री से पूरा जुड़ा हुआ जो आपके कोर्स में नहीं है तो अभी तक जो आपने पढ़ा वो सारा कुछ आपको काइरल कार्बन की डिटेल और कायरलिटी समझ में आ गई होगी समझ में आ गई सबको यस yes, मैम है ना कोई कंफ्यूजन है अभी भी नो मैम हम्म तो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोमैरिज इन ट्रांजिशन मेटल कोर्डिनेशन कम्पाउंड एंड कार इन द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड तो अब हम कोर्स देख लेते हैं आपका कोर्स मेरे पास शायद कहीं पड़ा हुआ है वन मिनट आपके जो यूनिट है इस यूनिट में अभी क्या क्या बचा है ये हम आज डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि अगर नेक्स्ट क्लास बनती है तो वो हम देख लेंगे बाद में नेक्स्ट वीक में ठीक है no, I'm कुछ पूछना है आई एम कंप्लीटेड टू डेज माई क्लास रिकॉर्डिंग <coughs> तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले बच्चों से नाउ आई एम शेयरिंग द सिलेबस हम्म